please give an energetic and warm welcome to the one and only Khan sir. क्या हाल चाल जी, कैसे हैं आप? इससे पहले कि ऑडियंस आपसे कुछ पूछे या इंटरेक्ट करे, मेरे माइंड में एक क्वेश्चन है आपके लिए जी। जो बच्चे हैं वो आपके इतने दीवाने क्यों हैं, इतने पागल क्यों हैं आपके पीछे? मतलब मेरे कमेंट सेक्शन में भरा पड़ा था खान सर कब आएंगे, खान सर कब आएंगे। मतलब ऐसा क्या जादू कर दिया आपने बच्चों के ऊपर? ये सवाल हम आपसे भी पूछते हैं, हमारे पे भी इतना कमेंट आया इतना मेरे तो ऑफिस में लोग चले आए कि सर कब जा रहे हैं। अच्छा। क्योंकि हम लोग का तो एग्जैक्ट है, वही पढ़ाना है। तो देखिए, हम लोग का मेन है कि बच्चों को जो जरूरत रहती है, कि अगर लड़का पढ़ने आया ना, उसके मन में कोई डाउट ना रह जाए। हम उसको कहते हैं कि हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं, दम है तो भूल के दिखाओ, याद करके नहीं। प्लस आप जिस प्राइस पॉइंट पे पढ़ा रहे हैं, आई थिंक वो सबसे कम है, वो बहुत ही कम है। सर, ये जो फीस का कल्चर है, ये हमारा इंडियन कल्चर नहीं है। हमारा इंडियन कल्चर गुरु दक्षिणा है, उस हिसाब से वो सही है। ऑक्सीजन जैसे जिंदगी के लिए जरूरी है, वैसे एजुकेशन जरूरी है। कोई ये नहीं कह सकता है कि पैसे की वजह से वो खान सर के यहां से लौट गया। क्या बात है। मैंने देखा कि आपका ये जो चैनल है कि ये पिछले 3 साल के अंदर अंदर ही ग्रो किया है। हमको जब चैनल शुरू हुआ तो एक दिन में हम 4-5 वीडियो बनाए। एक हमको कुछ आता आज भी नहीं आता, इतना तो हम देख के कैमरा वैमरा तो हम कंफ्यूज हो गए, बाप रे। तो हम एक ही दिन में वीडियो शूट किया, पढ़ाने वाला टॉपिक था। हमको उसके बाद कभी वीडियो नहीं, 6-7 वीडियो एक ही बार शूट कर लिए। और एक जो थे जिनका कैमरा वगैरह था, मेरे पास कैमरे भी नहीं थे उस टाइम, और कैमरा 35,000 का था। तो 6 महीना इसी में लग गया, जो 35,000 इसी में फंस जाएगा। तो उनके कैमरे से शूट किए, उन्होंने कोई चार्ज लिया, उसके बाद हम छोड़ ही दिए। लॉकडाउन लगा तब हम कहें आप कैसे पढ़ाएंगे, वो तो एक दिन दो दिन करते करते अचानक लंबा हो गया। तब हमको याद आया कि ओहो, मेरा एक चैनल भी है वहाँ पे। तो उस समय उस पर लगभग 30,000 सब्सक्राइबर हो चुके थे। तो जैसे लॉकडाउन लगा तो उस पर पढ़ाना चालू किया, और पता नहीं क्या लोगों को पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट आ गया कि आपका स्टाइल ऐसा है थोड़ा सा। आप आई थिंक पढ़ाई के साथ साथ में जो बीच बीच में आप थोड़ा बहुत छोड़ते रहते हैं ना, मतलब जो एंटरटेनमेंट चलता रहता है ये बात। हम देखिए, जब हम गुलाम थे ना, तो अंग्रेजों ने एक चाल चला था कि भारत को हम फिजिकली गुलाम रखेंगे 100-200 साल, मेंटली 1,000 साल कर देंगे। उन्होंने पढ़ाई का मॉडल चेंज कर दिया। उन्होंने ऐसा डिजाइन किया कि टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पढ़ा के चला जाए। टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ खत्म नहीं हो जाती, पढ़ाना तो कोई भी पढ़ा सकता है। टीचर की इससे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसे समझाना, वो समझा कि नहीं समझा। अगर लड़का आपके समझाने के बाद डाउट रह गया तो आपकी गलती है। लड़का हमसे पूछता है सर इतनी भीड़ है आपके पास, तो कहे सर डाउट कैसे पूछेंगे। हम कह रही तुम्हारा डाउट बचेगा तब ना पूछेगा तुम डाउट यहाँ पर। कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल है आंसर का, मानना पड़ेगा। और शायद यही वजह है इनकी जो ग्रोथ है उसका, किसी ने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा कि पिछले 2 साल के अंदर अंदर जो आपके चैनल की ग्रोथ हुई है। जैसे आप खुद ही बता रहे हैं कि लॉकडाउन के टाइम पे आपके 30,000 के करीब सब्सक्राइबर्स थे, आज की डेट में 17 मिलियन है। और मेरा एक क्वेश्चन और है इससे पहले कि ऑडियंस में से आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, कि कई बार आप ऐसे भी टॉपिक्स टच करते हैं जो थोड़े से कॉन्ट्रोवर्शियल है या थोड़े से सेंसिटिव है, जिसके ऊपर बात करने की हिम्मत आई थिंक बहुत ही कम लोगों में है, तो आपको कभी ये नहीं लगता है कि कहीं ज्यादा तो नहीं हो रहा है, इसको थोड़ा रोक देते हैं, थोड़ा कम कर देते हैं? क्योंकि कोई लाइन ही नहीं है वैसे तो बोलने को, तो आप कुछ भी बोल दो, कितना भी बोल दो। हुई है कंट्रोवर्सी बहुत बार। एक्चुअली बचपन से हमको फौज में जाना था, और फौज वालों के लिए ये सब मायने नहीं रखता। उसको करना है मतलब करना है, तुम सामने कुछ भी रहो, डजंट मैटर। और मैंने YouTube पे देखा कुछ वीडियोस में कि आपका जो इंस्टीट्यूट है वहां पर आज से कुछ साल पहले कुछ बम गिरे थे। कुछ गिरे थे, कुछ तो बहुत सॉलिड जगह गिरा था, फटा नहीं वो। मतलब आपके आसपास? हाँ, बम को भी पता है कि टीचर की इज्जत किया जाता है। क्या बात है। मैं समझ पा रहा हूं कि ये आपके अंदर जो एटीट्यूड है ये कहां से आ रहा है, क्योंकि आप बचपन से ही फौज में जाना चाहते थे, तो आप जंग के मैदान में ही खड़े हैं एक तरीके से। बस फर्क ये है कि आपके हाथ में कलम है।
हथियार ना होकर के। हथियार से एक आदमी की जान जा सकती है, हाँ। कलम से बहुत ताकत होता है। शिक्षा एक ऐसा हथियार है ना, हर कुरीतियों से लड़ सकता है, हर तरह की समस्याओं से। और ये एक ऐसा हथियार है, मेटल डिटेक्टर में भी नहीं पकड़ाता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में पीटने का, पनिशमेंट का ये सिस्टम जो है खत्म हो गया है। हम आपके वीडियो में देखे हैं सर कि आप एक बड़ा सा रोल रखे रहते हैं, पुलिस वाला लाठी है, पुलिस वाला लाठी है, और स्टेज पे बुला के बच्चों को उसी से धुनाई शुरू कर देते हैं मस्त एकदम से, है ना। तो सर मतलब कि बच्चे मतलब कि डरते नहीं आपसे, और इस तरीके से कैसे कनेक्टेड हैं आपसे, है ना। और एक और क्वेश्चन सर, यूपीएससी का जो आप अपना बैच स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, उसके बारे में बताइए सर, क्योंकि मुझे मतलब कुछ इशू करना है सर, ठीक है। और संदीप सर को देख लिए, मेरा तो वैसे ही हो जाना है। क्या हो जाना है मेरा, पूरा कंप्लीट करो। आई विल बी एन आईएएस ऑफिसर नेक्स्ट ईयर बिकॉज आई हैव सीन यू सर, माय डे इज लाइक कंप्लीट सर। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। पूरा बोला करो, थैंक यू। देखिए लड़कों को जहां तक पीटने की बात है, जब पढ़ाने की बात आएगी तो उसको हम पूरे बेहतरीन ढंग से पढ़ाएंगे, लेकिन जब सजा देने की बात आएगी ना तो वो भी बेहतरीन ढंग से होगा। ऐसा थोड़ी होगा कि बस एक ही चीज बेहतरीन ढंग से होगा। और डर का होना बहुत जरूरी है, ये डर भी अपने आप में एक मोटिवेशन है, क्योंकि जब आपके अंदर एक थोड़ा सा डर रहे ना तो डर के भागिए मत। एक ऐसा डर जिसको आप लगे कि नहीं नहीं थोड़ा सा और करने की जरूरत है, फिर तो ये हम इसको क्रॉस कर जाएंगे। आप तो लड़कों के अंदर ये डर बनाना भी जरूरी रहता है। और रही बात यूपीएससी वाले की, जो आपने बोला बहुत सारे लड़के वेट कर रहे हैं यूपीएससी की, क्योंकि 2-2.5 लाख फीस सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। और हमारा वही रहता है, हम तो ज्यादातर हमारे स्टूडेंट देखेंगे तो किसी के रिक्शा वाला, सब्जी वाला, यही लोग, इनको तो 2.5 लाख रुपया इनके पास पूरी संपत्ति नहीं होती है, फीस कहाँ से भरेंगे वहाँ पे, उसके बाद रहेंगे कहाँ से। तो ऑल ओवर इंडिया से, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गरीब से गरीब भी लड़का उसको पढ़ सकता है। यही कुछ 1000 रुपये मंथली 12-14 हज़ार साल का पड़ेगा, खत्म हो जाएगा इतना में। ये जो डंडे वाली बात इन्होंने कही, ये सच है, मतलब आप सच में एक डंडा रखते हो, पुलिस का ही है वो, और मारते हो? हाँ, कि मतलब अगर कोई लड़की छेड़ता है या ऐसा कोई भी उल्टा पुल्टा पढ़ाई लिखाई कुछ भी गलती करेंगे तो पिटाएंगे वो यहाँ पे कैमरे पे, ऑन कैमरा जैसा भी रहे, कुछ भी पिटाना तो उनको फिक्स है। एक तो कोई मतलब विधायक जी थे, उनके लड़का को पीट दिए, तो चला दल बल लेके अपना वहां पे, उसने घर पे नहीं बताया था कि सर ने पीटा है, बस बोल दिया कोचिंग में पीटा है। बाद में पता चला हम पीटे हैं तो उसके पिताजी मेरे सामने और पीटे।